जालंधर पुलिस ने एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट की शुरुआत की थी है। एक छोटा शुरुआत है जिथे एक नोडल पॉइंट अपा बनाया है कि जिन्हें भी साइबर क्राइम रिलेटेड केसेस आंदे ने उन्होंने एक सेंट्रल पॉइंट से स्पेशलिस्ट द्वारा डील किया जा सके। फिशिंग कॉल्स, फेक प्रोफाइल्स कॉल, सोशल मीडिया से बहुत सारे कॉल्स आते ने एंड स्पेशली बैंक फ्रॉड रिलेटेड केसेस बहुत आते हैं। उन सारे लिए वक्री वक्री टीम बनाई गई है। जेड़े भी कंप्लेंट इस तरह के रिलेटेड ने जेड़े थाने अलग यूनिट से आएंगे उन्होंने अपा बुलावांगे एक सेंट्रलाइज प्लेस से ला के उन्होंने तफ्तीश की जाएगी ताकि अपा इन फोकस तरीके नाल कर सकी। मेरा लोगों तो गुजारिश है कि काइंडली कोई भी छोटा से छोटा कंप्लेन जिहड़ा तुहाडे नाल कोई फ्रॉड होया होवे, तुहाडे नाल कोई गलत कॉल आया होवे, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया होवे जिहड़ा कि एक क्राइम नूं दर्शांदा है, ये नहीं कि तुहानूं तंग करन लई कोई भेज रहा है, क्राइम दे वल कोई भी अगर तुहाडे कोल इस तरह का इंसीडेंट हैगा उहनूं काइंडली रिपोर्ट करो। लोकल थाणियां च रिपोर्ट कर सकते हो, साडे दफ्तर च कर सकते हो या साइबर क्राइम यूनिट दे ईमेल आईडी ते कर सकते हो। इन्हां नूं रिपोर्ट करो ताकि सानू एक्सटेंट ऑफ क्राइम द अकरेंस ऑफ क्राइम दा सही पिक्चर मिल सके। नंबर टू, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक लेबोरियस एंड पेनस्टेकिंग प्रोसेस है। मैं सारे नूं रिक्वेस्ट करांगा कि वो पेशेंस जरूर रखन क्योंकि इहदे विच डेटा सानू वक वक इंटरनेशनल कंपनियां तो लेनियां पैंदियां, कई बार सानू मिलदा है, कई बार सानू कोर्ट ऑर्डर लेके भेजने पैंदे हैं, इस करके टाइम लगता हैगा ते पेशेंस की गुजारिश मेरे को मेरी हैगी है सारे कंप्लेनेंट्स। उधर सर प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा? फिर भी प्रोसेसिंग टाइम कुड बी एनीथिंग बिटवीन 2 मंथ्स टू 6 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ केस एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट चैनल हैज बीन यूज्ड फॉर कमिटिंग दैट साइबर क्राइम।